सबसे पहले हमने मोदक बनाने के लिए एक नारियल लिया, उसे घिस लिया। तो ये नारियल का घिसा हुआ है, एक नारियल का है ये। ये चावल का आटा ले लिया है हमने एक कटोरी, और ये गुड़ ले लिया है एक कटोरी। किशमिश ले लिया है हमने, किशमिश को काट लिया है अच्छे से ये, और ये चार पांच इलायची ले लिया है, और ये हमने खसखस ले लिया है। ये खसखस को हम रोस्ट कर लेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे। स्टफिंग के लिए खसखस को रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब हम स्टफिंग के लिए मसाला तैयार करेंगे। उबलते हुए पानी में हम चावल का आटा डालेंगे, अब इसे मिला लेंगे। ये एक कटोरी चावल है और एक कटोरी पानी है, इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये अच्छे से मिल चुका है, अब ये चावल का आटा तैयार हो गया। अब हम इसे ढक देंगे, अच्छे से पकने के लिए हम इसे ढक देंगे और गैस बंद कर देंगे। के लिए हम इसमें गुड़ डालेंगे सबसे पहले, ये देखिए गुड़ गर्म हो रहा है, इसको मिला देंगे। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और सर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। ये देखिए गुड़ ऐसा हो गया, अब हम इसमें नारियल डालेंगे। इसे मिला लेंगे, ये देखिए इस तरीके का दिखेगा। इसके बाद 5 मिनट तक इसे लाते रहना है, इसे तब तक चले रहना है देना है जब तक ये इसका पानी सूख ना जाए अच्छे तरीके से। अब हम इसमें कस्टर्ड डाल देंगे, खसखस मिला दिया। अब हम किशमिश डालेंगे इसमें, किशमिश डाल दिया, इलायची डाल देंगे सारे, मिला लेंगे सबको। ये देखिए हमारी स्टफिंग लगभग तैयार हो गई है। तो ये हो गई हमारी स्टफिंग तैयार, अब हम गैस बंद कर देंगे। ये चावल के आटे का दो तैयार हो चुका है, अब ये दो हमने रेडी कर दिया है। अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे छोटी छोटी सी, देखिए इस तरीके का लोई होगा। हाथ में थोड़ा सा घी लगा के बनाए, वरना इस तरीके का चिपक जाएगा। मैं घी लगाना भूल गई, तो देखिए हाथ में चिपक गया। अब मैं घी लगा के बनाऊंगी, अब इसको बेल देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने बेल लिया है, अभी इसमें हम स्टफिंग करेंगे। ये हमने ये डाल दिया है, अब हम इसे शेप देंगे, मोदक का शेप। ये देखिए ये है शेप, ये मेरा फर्स्ट मोदक है इसलिए ऐसा दिख रहा है। मैं अभी और अच्छा बनाऊँगी इसे। ये देखिए ये मैंने बेल लिया है, इसमें ये मैं स्टफिंग डालूँगी, अब इसका मैं शेप बना के मोदक बनाऊँगी। ये देखिए ये हमारा मोदक तैयार हो गया है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसी तरीके से हम सारे मोदक तैयार कर लेंगे। इसे बन गया है, सारे मोदक तैयार हो गए, अब हम इसे स्टीम कर देंगे, फिर मोदक रेडी हो जाएगा बस। ये देखिए हमने स्टीम के लिए रख दिया है, अब हम 15 मिनट हो चुका है, अब हम इसे निकालेंगे। ये देखिए 15 मिनट बाद हमारे मोदक इस तरीके से दिख रहा है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसमें मोदक डाल देंगे स्टीम होने के लिए। ये देखिए हमने मोदक रख दिया, अब हम इसे ढक देंगे। 15 मिनट बाद हम इसे निकाल लेंगे, तैयार हो गया मोदक, अब हम इसे भी निकाल लेंगे। अब हम इसे निकाल के सर्व कर देंगे। ये देखिए तैयार हो गए हमारे सारे मोदक, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। अब इस मोदक को हम सर्व कर देंगे गणेश जी के सामने। ये भोग लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं, हम ऐसे भी खा सकते हैं और भोग भी लगा सकते हैं। ओके गाइस बाय।